गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के बज रहे हैं 12:30। सुबह तो मतलब दोपहर ही हो गई है गाइस। अभी गाड़ी साफ कर चुके हैं और गाड़ी बिल्कुल चमचमा रही है। और घर जाके तब पिक करते हैं, सामान वान रखते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू अगेन। वही बात है यार, गुड मॉर्निंग नहीं हो रही, गुड आफ्टरनून हो रहा है क्योंकि दोपहर के बज गए हैं। अबे यार कभी तो 12:15 हो चुके हैं गाइस। आज की जो हम जर्नी करने वाले हैं वो हम जा रहे हैं हरिद्वार हर की पैड़ी गंगा स्नान करने के लिए विद फैमिली। देखो मेरा क्या है, मैं तो केवल ड्राइविंग के पर्पज से जा रहा हूँ और अपना व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। मैं गंगा स्नान करने नहीं जा रहा, फैमिली गंगा स्नान करने जा रही है, उनके साथ मैं जा रहा हूँ और मैं भी इसी बहाने अपना व्लॉग कर लूंगा। छोटी सी ट्रिप हो जाएगी और मैं आपको कुछ हरिद्वार की हर की पैड़ी के कुछ नज़ारे दिखा दूंगा। तो इसकी वजह से मैं अभी जो ये अपना ट्रिप होने वाला है ये हरिद्वार हर की पैड़ी का होने वाला है। तो गाइस चलो अपनी ट्रिप की शुरुआत करते हैं विद फैमिली, लेट्स गो। हम दो गाड़ी हैं, एक अपनी स्विफ्ट है, एक अपनी i10 है। तो इन दो गाड़ी में हम है मेंबर, 7 बड़े हैं, 4 बच्चे हैं। तो ये सब हम सब जाएंगे दो गाड़ी में, जो कि यहाँ से जो हमें डेस्टिनेशन किलोमीटर दिखा रहा है वो दिखा रहा है लमसम किलोमीटर का वन साइड दिखा रहा है अपने इस लोकेशन से। और चलो चलते हैं, देखते हैं कितना पड़ता है कितना नहीं, वो सारी चीज मैं इंफॉर्मेशन बताते रहूंगा, क्या क्या खर्चा होगा वो सारी चीज मैं थोड़ी बहुत हिंट देता रहूंगा। तो लेट्स कंटिन्यू जर्नी गाइस। बहुत जल्दी जल्दी के चक्कर में पर्स लेना भूल गए थे, पर्स ले लिया और अभी चल रहे हैं आगे के लिए। भाई देख रहे हो एक मिनट में कितना पसीना आ गया भाई। भाई साहब पैदल चलना दुश्वार है, इतनी गर्मी हो रही है और इतनी गर्मी हो रही है भाई पसीने छूट रहे हैं। गाड़ी थोड़ी सी दूर है, पैदल पैदल 5 मिनट का रास्ता है, अभी पहुंचने वाले हैं, फिर गाड़ी में बैठ के आगे की जर्नी ऑन कर दें। टंकी फुल कर दो। तो भाई 3510 रुपये का डीजल फुल लबालब करा लिया है उन्हें। तो भाई हमने कर दी अपनी जर्नी शुरू और अभी किलोमीटर देखो ट्रिप जीरो कर दी है। कितनी देर में पहुंचते हैं, कितने किलोमीटर रेंज है, वो सारी चीज आपको वीडियो में दिखाते रहेंगे। मोदी नगर पार कर चुके हैं और मेरठ में एंट्री कर चुके हैं। अभी हमने गाड़ी 33 किलोमीटर ही चलाई है, जब फास्ट नहीं है लेकिन स्लोली स्लोली हम चल रहे हैं आगे। और अभी टाइम हो गया है 2:03। और ये अपने पीछे दूसरी गाड़ी आ रही है अपनी i10। ये दूसरी ब्रांच बन गई होगी यहाँ पे, सुखदेव ढाबा, ये हरियाणा में पड़ता है लेकिन ये कैसा दिखता है, सुखदेव का दूसरा ब्रांच सा लग रहा है लेकिन दिखने में सुखदेव ढाबा नहीं लग। लो गाइस ट्रिप का पहला ट्रैफिक, वो भी हाईवे पे। गाड़ी अपने पीछे ही है सेकंड गाड़ी। पता नहीं, देखो ना गाड़ी में देखो कैसे अंदर तून भरे पड़े भाई, ऊपर नीचे भाई, पता नहीं टेंट वेंट सा लग रहा है वहाँ पे, ये अंदर तून भर के जा रहे हो। ये गाड़ी पे देखो छत पे खिड़की से निकले पड़े हैं, यहाँ कुछ हो रहा है भाई फंक्शन, ये सारे यहाँ स्टॉपर बन रहे हैं और इसी का ही जाम होगा। ये जो ट्रैफिक चल रहा है ना सब यहाँ का ही होगा, यहाँ कुछ हो रहा है, कोई राज्य माता की जयंती है, वो रोड का ट्रैफिक हटा रहा भाई। ये आगे रैली निकल रही होगी, डीजे का साउंड आ रहा है क्योंकि इस गाड़ी के आगे। हाँ तो भाई इस चीज का ट्रैफिक सा नजर आ रहा है, खुल गया अपना ट्रैफिक, अब अपनी गाड़ी कुछ रनिंग में आई है, नहीं तो तब से टुमक टुमक चल रही थी। अब कुछ गाड़ी रनिंग में आई है और सबसे गाड़ी धीमी धीमी चल रही थी। और भाई पहले तो दिखा रहा था 4:15 की डेस्टिनेशन पे पहुंचने का, अब दिखा रहा है 4:42 का, मतलब आधा घंटे का लमसम बढ़ गया टाइम, क्या कर सकते हैं। चलो भाई कोई नहीं भाई, मेट्रो स्टेशन केवल यहाँ तक ही बन रहा है, जो कि जगह का नाम है दुलेड़ा दुरेंडा, ऐसे कुछ नाम बताए गाँव का इधर, बस मेट्रो स्टेशन अभी यहाँ तक ही काम चल रहा है इसका, यहाँ पे ये लास्ट है, आगे जाके स्टेशन बन जाएगा बस। गाड़ी अपने दोनों साथ चल रही है, वो गाड़ी पीछे आ रही है, हमारी गाड़ी आगे चल रही है। टोल प्लाजा 1 किलोमीटर, मेरठ का टोल प्लाजा आने वाला है अब। मेरठ का पहला टोल टैक्स पार कर चुके हैं गाइस, अभी चल रहे हैं और अभी टाइम हो गया 2:35 और अपना किलोमीटर हो गया 53 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। मैं सोचा इसको
नेट 100 किलोमीटर पर गाड़ी रोको, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करने के लिए कुछ खाने पीने के लिए, और अभी देखो क्या कंडीशन होती है, क्या टाइमिंग परफेक्ट बैठ के देखते हैं, आपको बताते रहेंगे। अभी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं, गाड़ी अपनी कंटिन्यू साथ चल रही है, ड्राइविंग करके बहुत मज़ा आ रहा है। पूरा महल की तरह बना रखा है भाई ने, पूरा महल की तरह बना रखा है। गाइस तो गाड़ी में मेंबर का चेंजिंग हो गया है, बच्चा पार्टी अपनी गाड़ी में आ गए और बड़े दूसरी वाली गाड़ी में शिफ्ट हो गए हैं। अभी हमने कवर कर लिया 103 किलोमीटर और टाइम हो गया है गाइस अभी 3:33। गाइस तो जो हम अभी हरिद्वार की पैड़ी पे जाने वाले थे वो प्लान चेंज हो गया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही तेज बारिश हो रही है, हमको वहाँ पे नहाने नहीं दिया जाएगा। तो अभी सडनली प्लान चेंज हो गया है, अब हम जा रहे हैं देहरादून अपने बड़े भाई से मिलने, एक नाइट स्टे वहीं करेंगे, फिर कल दिन में हम स्नान करने के लिए हर की पैड़ी पर आएंगे। तो अभी रूट तो चेंज कर दिया है, अब जो टाइम हो गया है 120 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, अभी रुड़की थोड़ा यहाँ से दूर है, रुड़की भी नहीं पहुँचे हैं, और यहाँ से 120 किलोमीटर का हमें दिखा रहा है 2:36 प्लस और टाइम हो गया है। अभी कंटिन्यू जारी कर रहे हैं ट्रिप, और अभी टाइम हो गया है 3:40। हम आ चुके हरिद्वार कुंभ सिटी, मतलब ये हम हरिद्वार कुंभ सिटी में एंट्री कर चुके हैं। अब हरिद्वार भी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम हरिद्वार की बजाय जा रहे हैं देहरादून, जो कि यहाँ से किलोमीटर है 110 किलोमीटर। गाड़ी कंटिन्यू चल रही है, एक नॉर्मल स्पीड में चल रही है, स्पीड ये रही है।